दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? आज मैं ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं आप लोगों को। एक भाई ने पूछा भी था कि मेरा पेट जो है वो बहुत गड़बड़ रहता है और पूछ रहे थे हाँ, पैनक्रियाज जो है मेरी, जो अग्न्याशय है मेरा, वो बहुत बहुत दुर्बल हो चुका है, बहुत कमजोर हो चुका है। मेरा खाना पचता नहीं, जैसा मैं खाता हूँ अग्नि प्रदीप होती नहीं है, जैसा खाता हूँ वैसा ही निकल जाता है। कब्ज बहुत रहती है, बहुत परेशान रहते हैं। इनके इन भाई साहब के लिए एक उपाय मैं बहुत ही आसान सा बताने जा रहा हूं, और ये जो उपाय है ना भाई साहब, रोजाना आपको करना है। खाना खाने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्टेप, एकमात्र स्टेप है। आपको क्या करना है, आपको जब भी आप खाना खाएं, सुबह दोपहर शाम, सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा? सबसे पहले काम ये रहेगा कि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। एक घूंट या डेढ़ घूंट पानी, एक दो घूंट पानी पी लें, उसके एक घंटे बाद आप पानी पिए, एक गिलास दो गिलास एक लोटा जितना भी पीना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे खाना खा लिया आपने, एक घूंट पानी पी लिया, उसके बाद आपको एक या दो लौंग आपको अपने मुंह में डाल लेनी है और उसको धीरे 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 चबा चबा के खाते रहना। जब तक चबा चबा के खाते रहना, जब तक एक घंटे बाद पानी पियो तब तक उसको खाते रहो, पूरा खा जाओ। बस यही आपकी औषधि है, यही आपकी दवाई है, यही आपका सब कुछ है। अगर इसे लगातार कुछ दिनों तक आपने सेवन कर लिया तो भाई साहब, कब्ज, अम्ल पित्त, अफरा, पेट में अफरा तफरी रहती ना, अफरा, और आमाशय में मल जम जाना, आंतों में मल जम जाना, कब्ज रहना, बवासीर हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो पेट से संबंधित हैं, लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, आपके उदर रोग की जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं के लिए ये जो एक लौंग है ना, ये रामबाण सिद्ध होगी। आप ना मानो तो करके देख लेना, वरना अजय भाई से बोलना, अजय भाई आप वीडियो बेकार बनाते हो, कुछ होता नहीं इनसे, बात खत्म। इतना जबरदस्त वीडियो है, इतना जबरदस्त नुस्खा है, अगर कर लिया ना तो भाई याद करोगे जिंदगी भर कि अजय भाई ने कुछ बताया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, और हाँ, अगर जिन लोगों को ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशान है, ये छोटा लगता है नुस्खा, कई लोगों को छोटा लगता है, अरे क्या ये नुस्खा है, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी चीजें बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। ऐसा देखा है कभी MBBS MD डॉक्टर होते हैं वो काम नहीं कर पाते, झोला छाप डॉक्टर काम कर जाते हैं, तो ऐसा होता है, तो वही है। तो अगर कोई ज्यादा दिनों से परेशान है तो हमसे संपर्क कर ले, हम उसकी पेट की दवाई बहुत जबरदस्त बना के देते हैं, उधर रोगों से संबंधित जितनी भी पेट की समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए मैं रामबाण एक पाउडर बना के तैयार करता हूँ, वो आप एक बार सेवन कर लेंगे, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चलता हूँ फिर उन लोगों के लिए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, घर वालों का, नमस्कार।